जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहां हमको ले जाए वहां जाऊंगी। शादी से याद आया, चांद ने कोई डिसीजन लिया? नहीं भाई, अभी तक नहीं लिया, सोच रही हूँ अब बात करूंगी उससे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम डिसाइड कर लो कि इन तीन लड़कियों में से कौन तुम्हारी दुल्हन बनेगी। तीनों में से क्यों, चारों में से क्यों नहीं? रिश्ता या खून का होता है या जुनून का होता है, ना उससे तले कुछ ना बरतर। लेकिन ये भारी भरकम वर्ड्स मेरे समझ में नहीं आते, मैं सीधा आदमी सीधी बात करता हूँ। हाँ, इसलिए सीधे सीधा कह दिया ना कि आपको हीर पसंद है। सितारे की इतनी मिस कॉल्स क्यों हैं? हेलो जी सितारा, मैं आपकी फोन आया था। क्या क्या हुआ है? किस हॉस्पिटल में है? मुझे फौरन बताया, मैं भी आ रहा हूं। ओके ओके, अम्मी ठीक तो हैं? ओके ठीक है ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं। ओके ओके, क्या हो गया? पता नहीं, न जाने कितने हफ्ते अब रहेगी अस्पताल में, खाना बना के लाना पड़ा। हाय हाय, क्या स्यापा डाल दिया तूने? मैं तो आप बाजी को अस्पताल पहुंचा दिए। Oh, you chupo and hacho. I will ask. बता, मुझे बताओ क्या हो? तुम तो छोड़ ही दो, मुझे ये बताओ, हम तो सही सलामत छोड़कर गए थे, तुमने क्या क्या तोड़ दिया उसका? मुमानी मुमानी प्लीज, अभी डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनको एक्सरे के लिए लेके गए हैं। आई एम श्योर वो ठीक होंगी। हाँ बेटा, क्या हुआ मुझे बताओ। मामू आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, घबराए नहीं, वो ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर उनको रूटीन चेकअप के लिए लेके गए हैं। है कोई, बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि कोई मसला ही नहीं। आप लोग ऐसा करें कि सारे घर चले जाओ, मैं यहाँ रहकर उसकी खिदमत करूंगी। जैसे ही मैं आपको डॉक्टर कहेगा कि आप अस्पताल से चली जाए, उसके बाद मैं तुम सबको यहाँ बुला लूंगी, आ जाना फिर ले जाएंगे उसको। हेलो हेलो, व्हाई यू रुको? मैं रुकूंगी बिकॉज मैं जब होंगी कि किसी की नीड नहीं पड़ेगी। ओके ओहो, किसी को रुकने की जरूरत नहीं, मैं पेंड जाऊँ, मुझे पता है कैसी देखभाल करनी, तुम लोग सब जाओ। ये कैसा शोर मचाया हुआ आप लोगों ने? पेशेंट के साथ कौन है? ओह, एक सेकंड, इधर जाइए आप लोग, हटिए, बात करने दे मुझे। जी डॉक्टर साहब, कैसी है वो? मिसेस मेहताब के साथ आप हैं? जी मैं हूँ। I'm sorry. अरे चुप कर जाएं आप लोग, मुझे बात करने दें। जी डॉक्टर साहब, क्या कह रही हैं आप? I'm sorry, उनके सिर्फ टांग का फ्रैक्चर हुआ है। बस डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना, मैं उनको ले जा सकता हूँ? आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि ना वो चले फिरे और ना ही किसी किस्म का कोई काम करेंगे, और अगले हफ्ते आप उनको चेकअप के लिए दोबारा लेकर आएंगे। आओ बेटा, आओ 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 अम्मा, हाँ हम देख लें उनको। बेटा सितारा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बर वक्त इनको यहाँ ले आई, बड़े नुकसान से बच गई। वाकई सितारा, थैंक यू, आपने बहुत हिम्मत की। नहीं, आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ममानी को इस तड़पती हालत में देख मुझसे भी नहीं रहा गया, तो बस जैसे तैसे करके मैं उन्हें यहाँ ले आई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको ज़्यादा चोट नहीं आई। भाई बस कर देना आप लोग, अगर ये ना होती तो कोई और होता, ये सब इसी की वजह से हुआ है। वैसे भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पर मुमानी, मैंने आपको मना किया था। चुप चुप कर चुप। अम्मी आप क्या कह रही हैं? इसमें सितारा की क्या गलती है? इसी की गलती है इसमें, अगर ये मुझे किचन में ना जाने देती तो ये सब ना होता, इसका पांव टूटा होता बजाय मेरे। वो इतना मेहताब बाजी, तुझसे एमी बीच में आ गए। Yes, she is right. Because सितारा का वर्क तो किचन का वर्क है ना। ओ बहन, संभालो अपने वजन पे, रहो, क्या हो गया?
अरे आप लोग बाहर चलिए प्लीज। अब बेटा आप भी जाओ, थक गए हो, लेके जाओ बेटा। शाम जाओ, ये बंद कर दो। शाबाश शाबाश, ये वाला, हाँ शाबाश, चलो। कितना छोटा दिल है तुम्हारा। अरे अब तो मान जाओ कि सितारा की वजह से तुम्हारी जान बच गई है। Be thankful to her। तो मेरा पैर टूटा है, मुझे चोट लगी और मुझे ये बातें सुना रहे हैं आप। Oh, sorry, 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 please। बस हाथ लगाए मुझे। नहीं, कुछ मत करो। आराम कर रहे थे आप, अभी तक काम कर रही हैं? बस जा रही हूँ। एक्चुअली मैं अम्मी के रवैये पर शर्मिंदा भी हूँ। दर्द और तकलीफ में वो क्या बोल रही हैं, आई गेस उन्हें खुद अंदाजा नहीं है। कौन सा पहली बार है मुझे मुमानी की बातों का बुरा नहीं लगता। ये तो आपका ज़र्फ है, वरना अम्मी की बातें तो मुमानी बड़ी है मेरी और मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ, और माँ की बात का थोड़ी बुरा माना जाता है। आपने एहसास किया, इतना ही बहुत है। अच्छा मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, तो प्लीज डोंट थिंक दैट, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था, अम्मी कैसे गिरी थी। मैं जब आई तो मुमानी यहीं गिरी हुई थी और तेल भी गिरा हुआ था, तो शायद फिसल के गिर गई। हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अम्मा बात बोलो, ऐसे ना इस पट्टी में तुम बिल्कुल कंगफू पांडा लग रही हो। ये बेशरम, जरा लिहाज नहीं माँ का, मजाक करते हुए तुझे कोई शर्म नहीं आ रही ना। वैसे माँ, इस दफा तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मेरी माँ के सर में दर्द शुरू हो गया। देखा नहीं था कैसे अस्पताल में रोने का ड्रामा किया था मैंने। वैसे माँ रोई तो तू बड़ा ही कमाल थी, पता है मुझे असल में लगा मेरी माँ को फूफो जान के गिरने का बड़ा ही दुख हुआ है। अरे भाई, वो तो मैंने इसलिए सारा ड्रामा किया था कि वो बिल्किस की बच्ची बार बार बेहोश होने के ड्रामे किए जाए ताकि उसके नंबर बढ़े। मैंने कहा ठीक है बच्चू, बताती हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने दो कोनियां मारी और साइड पे जाके अपना मुंह लाल कर लिया थपड़े आके। उसके बाद रोने का वो ड्रामा किया कि किसी को कुछ नहीं पता चला। अम्मा ये जो फूफू हैं जो कि गिर गई हैं, मैं अब चांद के साथ खाना खाने जाऊंगी कि नहीं। एक तो ये मेहताब बिना बहुत गलत वक्त पर गिर गई। पता है मैंने चांद से ना बहाने से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा घूरा कि इसके बाद तो मैं चुप ही कर गई। क्या होगा? अरे तू जरा सब्र से काम ले ले, एक बार मेहताब को ठीक होकर वापस आ जाने दे, उसके बाद देखना मैं फिर से रो रो कर ऐसा बैंड डालूंगी कि उसे मानना पड़ेगा। हाँ हाँ अम्मा, मुझे तेरी एक्टिंग पूरा यकीन है। जोर से दबा जरा। हाय बस यार, तुम्हारे बगैर तुम्हें इस हाल में छोड़ के ना जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन तुमने कहा है तो जा रहा हूँ। आप अकेले थोड़ी जा रहे, चांद जा रहे ना आपके साथ। और फिर अंबर के हस्बैंड से कामरान भाई से आपकी कितनी गहरी दोस्ती हो गई है। अब अगर हम नहीं जाएंगे तो मुनासिब बात नहीं है, उनकी इकलौती बच्ची की शादी है। हम नहीं जाएंगे ना तो फिर वो भी नहीं आएंगे हमारे बच्चों की शादी पर। खैर मेरा तो बड़ा दिल था कि मैं वहां जा पाती, देखती आजकल शादियों में क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। पता नहीं कौन से डिजाइनर का जोड़ा बनवाया है उसने माहम के लिए। हेलो, रेडी आप? हाँ मैं तो कब से रेडी हूँ भाई, मैं समझा तुम आएंगे ना मेरे साथ। आइडिया तो कुछ ऐसे ही था लेकिन बस तुम्हारी अम्मी जो है ना उस फायदा उठा ली मुझसे सारे ब्लैकमेल।
पता। एक्सक्यूज मी, ऐसे कौन सा मैंने मुश्किल बात मनवा ली है? हाँ खैर छोड़े, जाते हुए प्लीज किसी अच्छी सी दुकान से मिठाई लेके जाना और फूल भी। और हाँ वो लिफाफा कहाँ है? अरे लिफाफा मेरी जेब में ही है, तुम परेशान मत हो, फिक्र ना करो। अच्छा बाबा हम इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, निकाह तो ईशा के बाद नहीं है। अरे तो क्या तुम बस खाना खाने जाओगे निकाह का? हद कर दी, कोई एक दो साल की दोस्ती नहीं है, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है, वक्त देना पड़ता है। मतलब आज का दिन तो गया यार, दिन नहीं रात भी गई। चलो आ जाओ। अच्छा भाई हम चल रहे, खुदा हाफिज़। चलें। अम्मी आपने अपना ख्याल रखना है, बीपी बिल्कुल हाई नहीं करना, फलक आराम करने गई हुई, किसी भी चीज की जरूरत हो आपने बिला झिझक सितारा को बता देना, ठीक है? बेटे बस कर दो, अपनी माँ को सबक ना पढ़ाओ, मुझे पता है कि किसको बुलाना है। सितारा को बुला सकती हूँ लेकिन मेरी भतीजियां हैं अभी यहाँ पर, ख्याल रख सकती हैं वो मेरा। भतीजियां? बहुत ख्याल रखेंगे आपका। ओके बाय। नगीना कहाँ चले गए? नगीना कौन भूत है भाई? फुफ्फो बुला रही होंगी किसी काम के लिए, तो जाके देख ले। अबे ओ माँ तू ना मेरे को इधर दुल्हन बनाने के लिए लेके आई है, खिदमतें कराने के लिए नहीं। हाँ वैसे कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, और खिदमतें करने के लिए है ना वो सितारा, उसी को बुलाए। जीती बेबी 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 हीर हीर वो अरे खाले कमजोरी से ना मेरी आवाज नहीं निकल रही सही, प्यास लग रही है, सिर्फ पानी पानी ला दो। ओहो पप्पो आज तो वीनस मार्स के पीछे है। हाँ तो क्या हुआ? तो आज ना मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। लगता है खुद ही जाकर पानी पीना पड़ेगा। Thank you.
मनमानी पानी। और तू मांगा है क्या? क्या सोच रहे हो? बोलो। कुछ नहीं। अरे मियां बोल दो, वानी अम्मा ही नहीं है यहाँ पे। यार नहीं, वो वैसे ही सोच रहा था कि एक्चुअली मेरी सितारा से बात हुई थी। मैंने पूछा उससे कि अम्मी कैसे गिरी, तो उसने कहा कि किचन के दरवाजे पे तेल गिरा हुआ था जिसकी वजह से अम्मी फिसली है। तुम सोचते हो नहीं क्या बात है? मुझे कोई बात हजम नहीं हुई बाबू। अगर कोई काम कर रहा हो किचन में तो तेल चूल्हे के पास गिरना चाहिए, ये दरवाजे पे कैसे आया? अरे मियां छोड़ो यार, किन बातों में पड़ गए हो तुम? इस घर में एक से एक बढ़ के पुअड़ है, उनसे क्या हम भलाई की उम्मीद रखे? तुम बिना मुझे वहम मत करो। इस बार ना बहुत ही बुरा लगा मुझे सितारा के बारे में। तुम्हारी अम्मा कभी कभी हद से गुजर जाती हैं यार, जो मुंह में आता है वो सुना देती हैं, वो बच्ची चू तक नहीं करती। बहुत ही साबिर बच्ची। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह उसको कोई अच्छा सा घराना मिल जाए, ताकि वो सारी जिंदगी खुशी से गुजार पे वहां पे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जो इंसान अम्मी के साथ गुजार सकता है वो किसी के साथ भी गुजार सकता है। अच्छा चलो यार, तुम्हारी माँ को हिचकियां आ रही होंगी। मूड ऑफ कर दिया फूफो ने, मुझे अब दोबारा से अपना नया मेकअप करना पड़ेगा न्यू लुक के लिए। उफ़ बेबी, दैट्स इनफ। और कितना मेकअप लगाओगी? और बाकी फैमिली वाली टॉकिंग करेंगे कि तुम इतनी खुश हो और फूफो गिर गई हैं। और अगर फूफो वाज कॉलिंग यू तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। ओह हो मम्मा, यू नो कि लाइट मेकअप करने से मेरी तबीयत खराब होती है, और फूफो ने अगर मुझे कोई काम कह दिया तो आपको पता है कि मुझसे ये काम वाम कुछ नहीं होता। तो प्लीज आप ये बता दे फूफो को, आप देख नहीं रही कैसे सितारा को फूफो ने अपनी खिदमत में लगाया हुआ है? Don't shout baby, कोई सुन लेगा। वैसे मामा आपको नहीं लगता कि फूफो ड्रामा कर रही है? उनकी कोई टांग वांग नहीं टूटी है, बस जानबूझ के करी ताकि हम उनके बेटे के साथ डिनर पर ना जा सके और उनके पैसे ना खर्च हो। It can't possible. फूफो को तो शुरू दिन से ही ड्रामा करने की आदत है। तुम्हें पता है, जब मैं न्यूली मैरिड थी ना, तो मैं मैके रहने आई थी, तो मैं तुम्हारे पापा के साथ गोल गप्पे खा रही थी और तुम्हारी फूफो ने देख लिया। उसने क्या किया? अपनी अम्मा को जाके कह दिया कि मुझे भी गोल गप्पे चाहिए। मामा ने कह दिया कि वेट करो, तो ये बेहोश हो गई। फिर मामा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होने,
तुम्हारे ताया, चाचा और पापा उन्हें होश में लाने के लिए लग गए और ड्राइव पे ले गए। Oh my God, तो आपने और पापा ने गोलगप्पे खाए कि नहीं? गोलगप्पे तो तभी मेरी दिल की स्टेयर से उतर गए थे और आज तक नहीं चढ़े। So sad, mama. वो पता very zalim है। Yes, baby. बहुत zalim. She's a wicked woman. लेकिन तुम देखना, just you wait. मैं भी याद दिलाऊंगी क्योंकि मैं भी गुड हूँ। बस चांद को वापस आने दो। मामा, आप बस जल्दी से बात कीजिए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चांद के साथ डिनर पे जाने के लिए। डोंट वरी बेटा जी, मैं संभाल लूंगी। पिछली बार तो तू बच गई थी सितारा, लेकिन इस बार देखती हूँ कि तू कैसे बचती है। खाने के साथ साथ ना तू भी जल के राख हो जाएगी, फिर मजा आएगा, फिर देखेंगे कि चांद तेरी कैसी हिमायत करता है। उफ़ला, ये फुफा भी ना इतने काम बोलते हैं, गैस का सिलेंडर भरवा लेना। मैं बबलू कोई फारिग इंसान है? अरे फारिग रहना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, कौन समझाए इन लोगों को। ये गैस की बदबू क्यों आ रही है? लगता किसी ने गैस ऑन करके छोड़ दी। सारे बेवकूफ है इस घर में बबलू के अलावा। कम ऑन मेहताब बाजी, वन मोर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऐसा नहीं होता भाई, ये उन लोगों के लिए होता है जो अक्सर बीमार रहते हैं। व्हाटएवर बाजी, बीमार बीमार होता है। देखिए भाभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस तरह आप लोग मेरी खिदमत करें और मैं किसी की मोहताज बनी रहूं। Oh my God, dear, बीमार को तो सब माफ होता है। और वैसे भी आप इतना माइंड पे ना जोर मत डालें, वरना दिमाग में कमजोरी हो जाएगी। देखे ना कितना टाइनी से मुंह हो गया। हाँ भाई, मुझे बड़ी कोफ्त और तकलीफ है इस प्लास्टर से, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी। वो एक्चुअली हीर कह रही थी कि आप थर्सडे को गिरी हैं, तो अब तो आप 3-4 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ी रहेंगी। भाई अल्लाह ना करे, बस मैं जल्दी से शफायाब हो जाऊं। आमीन सुमामीन। यस ऑफ कोर्स, आमीन सुमामीन। और प्लीज ये तुम लोग भी ना, ये जो इल्म नजूम, सितारे, सैयारे, प्लीज इन पर बिलीव ना किया करो। यस यस, आई ऑलवेज से, ये पता नहीं बिल्किस अपनी हीर की क्या ट्रेनिंग कर रही है। कभी उसको कहती है आज तुमने ये करना है, और कल कहती है आज तुम्हें ये नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे तो लग रहा है वो अपनी गर्ल की तावीज टाइप ट्रेनिंग कर रही है। अब क्या कर दिया बिल्किस ने गुड्डो, जरा हमें भी तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है निगल भाभी, वो लड़कियों की तरबियत पर बात हो रही थी जरा। अरे क्या कहूँ मेहताब, बच्चियों की तरबियत में ना बड़ी जान माननी पड़ती, तब कहीं जाके मेहनत वसूल होती। What you mean? आपकी जान को नहीं पड़ी हुई? अब इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं, अरे रहने दे, गुड्डो भाभी की तो आदत है, मजाक कर रही हैं ऐसे ही। अब आप बताए ना, कहाँ थी सुबह से, खैरियत नजर ही नहीं आई मुझे। क्या बताऊ मेहताब, कल सारी रात जागने के बाद ना मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, जैसे ही मेरी तबीयत बहाल हुई मैं तुम्हारी आदत को चली आई, वरना मैं तुम्हें इस तरह सारा दिन अकेला थोड़ी छोड़कर रखती। वैसे निको भाभी, जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है तो आपके सर में दर्द ही हो जाता है। वो याद नहीं जब मेरी बेबी 1.5 मंथ की थी तो अम्मा बेगम ने आपको कहा था मेरा ख्याल रखने को, और तभी आपने अपने सर पर पट्टी बांध दी थी। एनीवे, खैर Whatever, हमें क्या? कसम से गुड्डो, इसे बोलते हैं हम आप पर हंसे आप ही की बत्तीसी लगाकर, यानी सब कुछ कह डालो मगर फिर भी कहो whatever। अरे भाई मुझे एक बात समझाओ, अब तुम्हारी ऐसी हालत हुई भी मेहताब, तो चांद भला कैसे लड़कियों को बाहर लेकर जाएगा? अरे नहीं नहीं, मैं इस हाल में हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चांद तो ठीक है ना, वो ले जाएगा बच्चियों को, बस अभी आए तो मैं बात करती हूँ। हाँ? अब जाहिर है ये मामला आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही, 100% सच बात। हाय, मुबारक हो, मुबारक हो,
सितारा जल गई, सितारा जल गई। हाय कोई एम्बुलेंस बुलाए, सितारों को आग लग गई है, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुला ले। सितारा बबलू तू अंदर क्या कर रहा था? मैं वो अच्छा फिर जब देखो खाना चोरी करने के लिए किचन में घुसा रहता, मना किया ना तुझे बुक्का नंगा? मैं तो बस वो सिलेंडर चेंज करने गया था। मेरी बहन को जब जहर देने की कोशिश की थी ना तो पूरा शहर उसकी हिमायत करने आ गया था, इतना बड़ा थिएटर लगा दिया था, इधर बबलू फट गया, किसी को ख्याल ही नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, हो जाता है। अब एक काम करो जल्दी से जाके नहा लो, वैसे ही ना तू महीने में एक ही दफा नहाता है, तुझे मौका मिला अच्छा साफ सुथरा हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी 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 कपड़े पहन। तो कैसी है मेरी प्यारी सी अम्मी जान, तबीयत ठीक हुई आपकी? हाँ जानू मैं तो ठीक हूँ। आपका बुखार उतरा? कहा भी था कि थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने भी कहा था मोमानी, लेकिन वो रोशन भाई की कॉल आ गई थी। अरे हाँ वो तायमी और तायबा से बात हुई, वो काफी वर्ड था आपकी तबीयत को लेके और रोशन भी काफी परेशान हो रहा था, बट कोई बात नहीं, मैंने उनको बोल दिया है कि मैं आपकी उनसे वीडियो कॉल पे बात जरूर करवाऊंगी। बस मौका मिल गया सबको हम दर्दियां जताने का। ऐसे तो जाहिर सी बात है, ये तो होना चाहिए ना, रोक थोड़े सकते हैं किसी को, खासकर तुम्हारे ददियाल वालों को। ननियाल वाले तो जैसे बड़े लगाम में रहते हैं। सितारा तुम जाओ बस। नहीं, सितारा तुम नहीं जाओगी, मैंने अभी डिनर पे जाना है जोया की तरफ। क्या अपनी माँ से ना पूछा ना इजाजत ली और फैसला सुना दिया? बस आपसे पूछती तो आपने इजाजत देनी थी मुझे, और वैसे भी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के सब की दावत की है जोया ने, अबे वैसे भी मेहमान खसूसी हूँ मैं, मेरी शादी होने वाली है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा यानी कि मेहमान खसूसी बनने के शौक में तुमने मुझसे इजाजत लिए बगैर हाँ कह दी? बस मोमानी जाने देना, फिर शादी के बाद कहाँ मौका मिलेगा इसको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का। सही तो कह रही है सितारा, बाद में कहाँ मौका मिलेगा, अब देखे ना, प्लीज नाराज नहीं होना, मान जाए जाने दे मुझे। अच्छा अच्छा भाई ठीक है चली जाना, और तुम भी जाओ जाके किचन देखो जरा और बेबी को भेज दो। जी सितारा ठीक है, थैंक यू सो मच। पप्पो चांद को खाने में क्या पसंद है? चांद जब यहाँ था ना तो सब कुछ खाता था, मगर जब से देश बदला है तब से भाई पता नहीं क्या क्या अलग अलग खाने लगा है, पिज्जा पास्ता बर्गर्स पता नहीं क्या क्या। ओह पुपो इट्स नेचुरल, बट डोंट वरी, अगर मेरी चांद से शादी हो गई ना तो मैं पापा से कहूंगी कि हमारे लिए एक शेफ अरेंज कर ले, तो वो चांद के लिए सब खाने बना देगा। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम चांद की पसंद नापसंद में इंटरेस्ट ले रही हो, जानना चाहती हो उसके बारे में। लेकिन बेबी मैं तुम्हें एक बात बताऊं? जी पापा बताएं। देखो औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मर्द के दिल पर उसका सुघड़पन राज करता है। हाँ पापा वो तो मैंने खूट खूट के लगाया हुआ है, डीएनजी श्नाल गुची। उफ खुदा मैं सुर्खी पाउडर की बात नहीं कर रही, मैं सुघड़पन की बात कर रही। पापा आपकी दवाइयों का टाइम हो गया, आपको दूं? नहीं, वो सितारा दे देगी मुझे, उसे पता है ना। बस तुम एक काम करो मुझे थोड़ा हेल्प कर दो। एक थोड़ा हेल्प कर दो, मैं वहां सोफे तक जाना चाहती हूँ। अभी प्रेस क्राय है। ओके ओह आउच, आहिस्ता चलो। मैंने फिलहाल उन्हें दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन उस इंजेक्शन का असर खत्म होने तक ही वो सुकून में रहेंगे। इससे पहले कि इस इंजेक्शन का असर खत्म हो जाए आपको उनके लिए इंजेक्शन लगवाना। जी ठीक है डॉक्टर, मैं इसको अभी ले आती हूँ। गुड, लेकिन ये इंजेक्शन अभी हॉस्पिटल की फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है, या आपको किसी बड़े मेडिकल स्टोर से मिलेगा, इसलिए आपको ये बाहर से लेना होगा। वो मसले की बात नहीं है डॉक्टर, मैं इसको जहाँ से भी मिलेगा मैं ले आऊँगी। ठीक है, और ये मैं कुछ मेडिसिन और लिख रही हूँ, ये आपको इसी हॉस्पिटल की फार्मेसी से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अरे भाई छोड़ो,
ये सारे ना अस्पतालों के चोचले होते हैं अपने बिल बढ़ाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। पहले मेहताब को इतनी सारे इंजेक्शन ठोक चुके हैं लोग, उसके बाद ठीक नहीं होगी तो कब ठीक होगी? वैसे अगर ठीक ना हुई तो फिर उनकी मेजर सर्जरी होगी। अल्लाह ना करे, मुमानी लाए दे मुझे, मैं लेके आती हूँ। जाहिर सी बात है तुम ही ने लेकर आना है, कौन सा मैं चली जाऊंगी। मैं तो अपने पैर में चोट लगी थी, उसके बाद दर्द मुझे आज भी महसूस हो रहा है। लेकिन मैं बता रही तुम्हें सितारा, जैसे ही मेहताब जागेगी ना, मैं उसे तुम्हारी सारी बातें गिनवाऊंगी कि तुम किस तरह अपनी मनमानियां कर रही थी, डॉक्टर के साथ खड़े होकर गिटपिट करती रही, फिर कहा कि मैं बाहर जाके दवाइयां लाऊंगी और मैं घूमने के लिए भी जाऊंगी और आइसक्रीम भी खाती भी आऊंगी। सब बताऊंगी मैं मेहताब को। आ गई तुम मैडम। अल्लाह भला करे सितारा, का तेरे ऊपर होता ना तो हमें ब्रेकफास्ट ना मिलता। भूखे रहते हम, भूखे। हाँ भूखे बैठे होते हम यहाँ पे। क्यों, कहाँ गया तुम्हारा वो राइडर जो हमेशा आता है जब तुम लोगों को खाना बनाना होता है? अपनी गलती छुपाने के लिए गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। क्यों, क्या किया मैंने? हाँ तूने तो कुछ किया ही नहीं है, हुप्पो तो खुद अपनी लेग तुम्हारे सामने ले आई थी। आओ बेटा तोड़ दो तोड़ दो। तुम दोनों ना ज्यादा तुम राइट डांस निकल रहे हैं ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम याद रखोगी। अम्मा के पल्लू में छुपने वाली आदतें ना तुम्हारी हैं, मेरी नहीं है। ओ बेबी ये क्या कर रही हो तुम? ताई ताई इधर आए, अपनी बेबी को संभाले। What is with you बेबी? सारा रॉन्ग आपकी अपनी बेबी के साथ है। पहले इसने फुप्पो को हॉस्पिटल पहुंचाया, अब मेरे पीछे पै गई है। ओह बेबी, इग्नोरिंग करो ना। मामा, मुझे नहीं खाना इनके साथ खाना। अब बेबी, अच्छा आप लोग स्टार्टिंग ईटिंग, हाँ मैं इसको बेबी को देखती हूँ। पागल पागल हो गया, छोड़ तू इसे, बड्डी आई मुझे मारने वाली। हेलो बबलू, अम्मी कैसी हैं? हम यहाँ से निकल पड़े, हम रास्ते में, हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्द, तुम प्लीज तब तक अम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ओके ओके। सितारा से बात हुई कि नहीं? नहीं अबू, वो फोन अपना हॉस्पिटल में छोड़ गई है। फोन छोड़ गई है? फोन छोड़ के कहाँ चली गई वो? मैंने पूछा नहीं है, मुझे उसे बहुत टेंशन हो रही है अम्मी की, उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। चलो जल्दी करो फिर, पता नहीं फोन छोड़ के चली कहाँ गई है सितारा। या अल्लाह, मैं तो आपको किसकी नजर लग गई देख के बेटा। कितनी मीसनी है, खूब ठूस ठूस कर खाना खा रही होंगी। ओह माय चाइल्ड, मत रो मत रो, अब चलो मेरे साथ। मामा मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ बैठने, आप पापा को कॉल करें और बताएं कितना जुल्म हो रहा है मेरे साथ और कैसे उनके दोनों भतीजों ने पूरे घर को सांपों की तरह लपेटा हुआ है। बेबी जानी, अगर तुम्हारे पापा को पता लगा कि उनकी लाडली बहन को तुमने दोबारा पेन दे दी, उनकी टांग तोड़ दी, तो वो तो तुम पे शाउट करेंगे ना। मामा तुम्हें क्या होगा, इस तरह तो चांद भी मुझसे दूर हो जाएगा। नो बेबी, चांद तो इसको एक्सीडेंट समझेगा, लेकिन वो चारों जो है ना उसे मिसगाइड करने की कोशिश जरूर करेंगी। मामा आप होती तो देखती कैसे हाय पुप्पो हाय पुप्पो हाय पुप्पो कर रही थी, जैसे मुझे उनकी हरकतों का पता ही नहीं है। डोंट वरी, जितना मैं मेहताब को जानती हूँ वो तुम्हें ही लाइक करेगी। मामा हॉस्पिटल से आने के बाद पुप्पो ने अगर मुझसे नफरत करना शुरू कर दी तो? डोंट वरी बेबी जानी, मामा हैज अ प्लान। बहुत ही सिंपल आइडिया है, तुम थोड़ा सा दरवाजा खोलना, फिर जानमाज की जो जली वाली साइड है वो यहाँ सामने रख के, ताकि उन्हें पता तुम बहुत नमाज पढ़ती हो, इसको यहाँ बिछा के, और अगर तुम्हारी नीज को तकिया चाहिए तो तकिया रख लेना, फिर ऐसे बैठ के ऊंची ऊंची दुआ करना, या अल्लाह मेहताब को सही कर दे, या अल्लाह मेहताब को सही कर दे, ताकि उन सबको आवाज आ जाए, और फिर तुम देखना उनका दिमाग कैसे चेंज हो जाता। OMG, मैं तो ऐसे ही अपना लाइनर खराब कर रही थी। अब्बा पता नहीं बच्चों ने खाना भी खाया कि नहीं।
मेरी हुई थी नगीना से बात, वो बताई थी खाना वगैरह सब खा लिया लेकिन घर में उस बेबी ने हीर के साथ मिलकर बहुत ही फसाद डाला हुआ। अरे रब्बा, मेरी हीर तो ठीक है ना? अरे वो तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ दोनों माँ बेटियाँ बहुत चला के, लेकिन मुझे क्या अच्छा खुद ही आठ आंसू रो रही होंगी कि हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल 100% सही बात की है। अच्छा है ना, चांद को जब हकीकत का पता चलेगा ना खुद ही लात मार के निकालेगा इन्हें। अल्लाह करे जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हो। मुझे एक बात बताओ, ये सितारा बहुत देर पहले नहीं गई थी? काफी टाइम नहीं हो गया ऐसे वापस आने में? हाँ वैसे टाइम तो बहुत हो गया है, ये गई कहाँ है? भाई साहब वो बहुत बुरा हो गया। या अल्लाह, खैर खैरियत तुझे क्या हो गया बताइए कुछ, भाभी क्या हुआ है? क्या हुआ बताइए तो सही, हुआ क्या है? चांद बेटा सितारा कहीं भाग गई। क्या भाग गई? हाँ भाग गई। ये क्या बोल रही हैं आप भाई, होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भाग गई हैं? नग्गू भाभी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब दवाइयाँ लेने गई थी, इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं लौट कर आई है। नहीं मैं नहीं मानता, हो सकता किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। अरे बेटा मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था लेकिन ये सच है, तुम पूछो बिल्कुल ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, सतारा ने कहा था कि मैं अकेले चली जाऊंगी, आप यहीं रुके। तो आपने उसे जाने दिया ये पूछे बगैर कि वो किस एरिया में गई है, किस स्टोर में गई है? हाँ ठीक क्या रहे चांद भाई, जितने मुंह उतनी बातें, अब बच्ची होती तो इतना बड़ा काम ना करती, रब जाने किसके साथ गई है और कहाँ गई है। पर बेटा जिस तरह से वो गई है ना, मुझे तो पूरा यकीन है कि पूरी प्लानिंग करके गई है। हाँ हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई इसका अच्छा दोस्त हो जिसके बारे में वो बताना ना चाहती हो, हमारे सामने मासूमत के फिरती है। बस कह दे भाभी प्लीज, माना सितारा मेरी बहन की बेटी है मगर उसको मैं फलक से कम नहीं समझता। अल्लाह जाने कहाँ भटक रही होगी, उसको तो रास्ते भी सही नहीं मालूम, कहाँ चले गई होगी वो। अम्मी को डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे लगता है यकीन आ गया। अब वो एक इंजेक्शन लगना था अमिताभ भाजी को जो सितारा लेने गई थी, अब अभी तक तो वो लौट कर ही नहीं आई, तो इंजेक्शन लग गया कि नहीं? ठीक है मैं नर्स से पूछता हूँ कि वो किस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप ये रुकें, आप प्लीज आप जाएं, मैं आपके लिए कैब करवा देता हूँ। अब मैं अंदर क्या, आप मुश्किल में डाल दी जान हमारी।